आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही श्री हरेन मलिक। मानवर किसान के मामले में जो बात कह रहे हैं, किसान को ना खाद सब्सिडी मिल रही है, जो किसान शहीद हुए थे आंदोलन में उनके परिवारों को आर्थिक सहायता आज तक नहीं दी गई और बजट में उसका कोई प्रावधान भी नहीं है। नौजवान बेरोजगार हैं, 30 लाख पद केंद्र सरकार के खाली पड़े हैं, उन पर नौकरी देने की बात नहीं करके, पढ़ाई महंगी हो चुकी है, मेडिकल की पढ़ाई आज गरीब का बच्चा नहीं कर सकता, इंजीनियरिंग की पढ़ाई गरीब का बच्चा नहीं कर सकता। जितना पढ़ाई की फीस इस राज्य में बढ़ी है, ऐसा लगता है कि गरीब और किसान के बच्चों से किताब को छीनने का काम किया जा रहा है। माननीय, जहाँ तक अभी ये विकास की बात कह रहे हैं, लखनऊ में आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा निर्मित कैंसर हॉस्पिटल जिसमें 1000 करोड़ रुपए की लागत लगी, बनकर खड़ा है, उसमें डॉक्टर और उसका व्यवहार भी नहीं है। मानवर, बेरोजगारी बढ़ी है, MSP लागू करने का वादा करके सरकार मुकर गई, MSP लागू नहीं की गई, किसान तबाह और बर्बाद है, नौजवान तबाह और बर्बाद है। हमारी उम्मीद थी कि ये अग्निवीर को 4 साल की बजाय 20-25 साल सर्विस का मौका देंगे, परंतु इस बजट में इन्होंने ऐसा भी नहीं किया। आज किसान, नौजवान, छात्र सब परेशान हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है। आप किसान की बात करते हैं, 6000 रुपये किसान को देते हो, 6000 रुपये में 2 कट्टे DAP के आते हैं, आज की तारीख में 2-3 कट्टे 3 कट्टे क्या करेगा 6000 रुपये लेकर के किसान। ट्रैक्टर पर आपने दिए, हमें उम्मीद थी कि ट्रैक्टर पर GST खत्म करेंगे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर GST खत्म करेंगे, परंतु बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि एक तो किसान के ट्रैक्टर से 10 साल की 15 साल की सीमा हटा दी जाए, दूसरा ये इसके ऊपर जो GST है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर, और GST खत्म कर दी जाए। आपका चाहे पंप सेट हो, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रैक्टर टायर हो, चाहे ट्रैक्टर पार्ट हो। माननीय, मेरा अनुरोध ये भी है कि जो पढ़ाई को किताब छीनने का काम जो इन्होंने किया है, उसको ये फीस जो बढ़ाई है, आज MBBS 1 करोड़ रुपए से कम में नहीं हो सकता, वो फीस बढ़ा करके इन्होंने गरीब के बच्चे को पढ़ने से महरूम किया है। माननीय, जो रोजगार आप दे नहीं रहे, कम से कम पुरानी पेंशन तो बहाल कर दो, ये भी आपके वोटर हैं, पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। मानवर, कैंसर हॉस्पिटल का मैंने जिक्र किया, लखनऊ में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ कैंसर हॉस्पिटल तैयार खड़ा है। आप उसमें केवल डॉक्टर इसलिए नहीं भेज रहे कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार द्वारा निर्मित है, ये कहाँ का इंसाफ है। चारों तरफ विकास के नाम पर मैं सच कहूँ, लूट खसोट के अलावा कुछ है नहीं, केवल लूट खसोट मची है, कहीं विकास नहीं। आपके नेताओं का विकास हो रहा है, जनता का कहीं विकास हो नहीं रहा, लोग तराई तराई कर रहे हैं, रोज हिंदू हिंदू करते हो, हरिद्वार में हर हिंदू जाता है, चाहे जिंदा जा चाहे मुर्दा जा। आप हरिद्वार को टोल मुक्त कर दो, जो हरिद्वार को रोड जाती है उस पर टोल ना लगाओ। हमें अंग्रेजी सरकार में, आप मेरे साथ सदन में थे आदरणीय महोदय, जिस दिन डॉक्टर अम्मार रिजवी ने सीतापुर के पर टोल लगाया था, आप ही कहने वाले थे कि जजिया कर देना पड़ेगा। आज आप हरिद्वार पे भी जजिया कर ले रहे हैं, कहाँ आप जजिया कर नहीं ले रहे। चारों तरफ जब आदमी सड़क पर चलता है टोल देता है, कार खरीदता है ट्रैक्टर खरीदता है जब आपको टैक्स देता है, डीजल डलवाता है तब टैक्स देता है, जब पास कराता है रजिस्ट्रेशन कराता है तब टैक्स देता है, कितनी बार टैक्स दे, ये समझ से परे की बात है। 750 किसान शहीद हों और देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक शब्द भी उनके शोक का ना लिखे, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और आदरणीय किसी मंत्री को कोई पूछता ही नहीं, ये क्या वादा करिया है उनसे, उस पर कोई काम नहीं हुआ, MSP आज तक लागू नहीं हुई। मेरा आपसे अनुरोध है, किसान ही GDP का सबसे बड़ा अंश है, ये इस हिंदुस्तान का पेट पालने का काम किसान करता है। आपने उनके साथ जो व्यवहार कर रहे सिंधु बॉर्डर पर, उसे देख करके कभी जब रात को बैठे तो उस पर सोचना कि इससे शर्मनाक व्यवहार कुछ हो ही नहीं सकता। उस किसान के साथ जिसका बेटा जवान बनकर इस देश की सीमाओं पर खड़ा है, प्रहरी खड़ा है, आज उसके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, कील ठोक दी गई, सीमेंट की दीवार बना दी गई,
हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ड्रोन से 300 आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उस अन्नदाता के ऊपर छोड़े गए जिससे वोट लेकर के आप यहां बैठे हो। क्या आपको शर्म नहीं आई? आपको अफसोस नहीं हुआ? अरे कम से कम एक शब्द अफसोस का ही कह दे। मानो, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।